नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर ग्रेविटेशन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर। वॉट इज थ्रस्ट? द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट is called thrust. Like if something is kept over table, then its weight is acting downward. मान लीजिए कोई चीज यहां रखी है तो एक वेट रखा है यहां पर या ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका वेट नीचे लगेगा। एंड इफ दिस इज ऑफ 1 kg तो इसका वेट कितना होगा? वेट इज इक्वल्स टू mg, तो 1 × 9.8, तो 9.8 न्यूटन फोर्स लगेगा। ये परपेंडिकुलर लग रहा है, ये जो सरफेस इसकी टेबल की है उसके परपेंडिकुलर है। तो यहां लिखा है परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। सो थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स होता है। अगर यहां पर फोर्स ये लगा रहा है सरफेस पर तो डाउनवर्ड लगा रहा है, तो सरफेस के तो परपेंडिकुलर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 9.8 न्यूटन थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ टेबल, ऐसा कहा जा सकता है। So 9.8 न्यूटन थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ टेबल। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 kg की कोई चीज है तो उसका वेट होता है 9.8 न्यूटन, क्योंकि जी की वैल्यू इतनी होती है। तो 1 kg की चीज है तो आप समझ लो 10 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 kg की चीज अगर आपके पास है, 1 kg गेहूं ले आए व्हीट, और व्हीट को लाकर या व्हीट फ्लोर को लाके पूरे में आटा ले आए और इसमें 1 kg आटा बिखेर दें पूरे में, तो ये जो भी सभी पार्टिकल्स होंगे वो डाउनवर्ड वेट लगाएंगे तो पूरी टेबल में ही ये थ्रस्ट लगा देंगे। हर पार्टिकल डाउनवर्ड उस पर फोर्स लगेगा। तो यू कैन इवनली स्प्रेड दिस व्हीट फ्लोर, 1 kg व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर। सो ऐसा करके आप इसमें कर सकते हैं तो नीचे फोर्स लगेगा। तो ये इवनली स्प्रेड कर दिया आपने। तो यहां भी कह सकते हैं कि 9.8 न्यूटन थ्रस्ट ऑफ व्हीट फ्लोर इज एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ टेबल। 9.8 न्यूटन थ्रस्ट, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो तो नीचे खींचेगी, और जो टेबल है तो वो जो टेबल है वो तो उसके परपेंडिकुलर, आप देख लो परपेंडिकुलर हर जगह न्यूटन। सो थ्रस्ट ऑफ व्हीट फ्लोर इज एक्टिंग ऑन टेबल। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी भी पिन को प्रेस करते हैं किसी चीज में। मान लीजिए जैसे एक सॉफ्ट वुड है या ड्राइंग बोर्ड, तो इस ड्राइंग बोर्ड में हम कोई पेपर पिन है तो इस तरीके से पेपर पिन को कंप्रेस कर लो,
तो कंप्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर आप थंब लगाएंगे और थंब से इसको कंप्रेस करेंगे। नाउ सो इन दिस वे यू विल कंप्रेस इट लाइक दिस। सो व्हेन यू कंप्रेस इट विद योर थंब, तो उससे क्या होगा कि एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगा। ये आपने फोर्स लगा दिया डाउनवर्ड, तो और ये सरफेस है, तो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो आपने थंब से जितना भी फोर्स लगाया है, सो दैट इज जो भी फोर्स आपने इसमें लगाया है दैट इज थ्रस्ट। अगर आपने मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया थंब से, तो यानी 500 ग्राम, आधा केजी, क्योंकि 1 केजी से 10 न्यूटन लगता है, तो आधा केजी में जितना उठाने में प्रेशर लगता है या फोर्स लगता है उतना ही आप नीचे लगा दो। सो आप ये कह सकते हैं कि 5 न्यूटन थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन ड्रॉइंग पिन डाउनवर्ड। सो 5 न्यूटन थ्रस्ट ऑफ ड्रॉइंग पिन इज एक्टिंग ऑन ड्रॉइंग पोर्ड। थ्रस्ट ऑफ आपने इस पे लगाया और इसने इस पे लगाया, तो थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन ड्रॉइंग बोर्ड। तो परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। मान लीजिए कि एक यू आर स्टैंडिंग नियर ए वॉल, सो अगर आप किसी वॉल के पास खड़े हैं एंड बाई हैंड यू आर प्रेसिंग इट, तो एक वॉल है जिसको कि आप प्रेस कर रहे हैं, दिस इज वॉल। सो अगर आप इस वॉल को ऐसे प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करने पर आपने इस पे फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाने पर इस वॉल में एक परपेंडिकुलर आप फोर्स लगा रहे हैं, यू आर एग्जर्टिंग ए परपेंडिकुलर फोर्स। क्यों? क्योंकि आपने इसको ऐसे प्रेस किया, तो ये जो आपने इसको प्रेस किया है ये परपेंडिकुलर फोर्स इस पर लग रहा है। सो ये है, सो इन दिस वे यू आर एग्जर्टिंग ए थ्रस्ट। अब जितना भी थ्रस्ट आप इस पर लगा रहे हो वो लगा रहे हैं, सो इट इज ए थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। नाउ वॉट इज प्रेशर? थ्रस्ट जो है वो फोर्स ही है, तो इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होगी, इसकी यूनिट न्यूटन है। यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन, ये चीज है, और ये फोर्स है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अब यहां पर चूंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स है इसलिए हम इसे Now, it is vector quantity. जैसे वेट होता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। थ्रस्ट हमेशा परपेंडिकुलर लगता है किसी भी सरफेस पे, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। नाउ लेट अस सी व्हाट इज प्रेशर। सो प्रेशर इज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर फोर्स। एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको कि व्हीट फ्लोर डाल दिया आपने इसमें 1 केजी, तो 1 केजी आपने व्हीट फ्लोर डाल दिया एंड नाउ वो व्हीट फ्लोर जो इसमें पूरे में इवनली स्प्रेड कर दिया, तो ये 1 केजी व्हीट फ्लोर है।
तो इसका नीचे की ओर वेट कितना लगेगा या थ्रस्ट कितना लगेगा? जो थ्रस्ट है वो किसके इक्वल होगा? थ्रस्ट इज इक्वल्स 1 kg है, तो डाउनवर्ड वेट इस पे लग रहा है, सारे पार्टिकल नीचे ही तो फोर्स लगा रहे हैं और ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, सो इट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। और मान लीजिए इस टेबल का एरिया 2 m² है, तो एरिया यहाँ कितना हो गया? 2 m². और प्रेशर क्या लिखा है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का क्या फार्मूला हुआ? प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, या ये भी कह सकते हो पी इज इक्वल्स टू, थ्रस्ट को फोर्स ही बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां कितना इस पर फोर्स लग रहा है? 9.8, क्योंकि जो भी वेट होगा वो क्या होता है? एम जी। तो 1 kg है और 9.8 ग्रेविटी होती है, तो 9.8 न्यूटन का नीचे की ओर वेट लगा और ये परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसलिए इसे थ्रस्ट कहा गया। तो यहाँ पर 9.8 न्यूटन और एरिया कितना है? 2 m², 2 से इसे कट कर दो तो 4.9, तो 4.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए जितना एरिया है आप एरिया से डिवाइड कर दो, 2 m² पर इतना वेट लग रहा है, इतना थ्रस्ट लग रहा है, तो 1 m पे कितना लगेगा? 4.9, वो प्रेशर हो गया। सो प्रेशर इज क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे ये भी कहा जा सकता है 4.9 पास्कल, क्योंकि ब्लेज पास्कल ने ही ये जो फार्मूलेशन ऑफ प्रेशर है, प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया, तो इसलिए उनके सम्मान में एक साइंटिस्ट थे, इसका यूनिट पास्कल रखा गया, ब्लेज पास्कल ने ये दिया था। और यू कैन सिंपली से 4.9 पास्कल। सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, इसकी यूनिट ये हो गई, दिस इज यूनिट ऑफ प्रेशर। तो 1 पास्कल क्या हुआ? 1 पास्कल डिफाइन करो, ये फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है। नाउ वॉट इज 1 पास्कल? वी नो दैट द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सो 1 पास्कल क्या होगा? पी यहां स्मॉलर लिखा जाएगा, तो क्योंकि यूनिट है तो यूनिट में कभी भी न्यूटन हो या पास्कल हो, लेटर कैपिटल नहीं होता। अब देखें, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स 1 न्यूटन का हो और वो एक्ट कर रहा हो 1 m² एरिया में, तो वो चीज हो जाएगी 1 N/m² या 1 पास्कल हो गया। 1 न्यूटन का मतलब देखिए, 1 किलो चीज, 1 किलो अगर गेहूं बिखेर दोगे किसी पे तो 10 न्यूटन, और 100 ग्राम, 100 ग्राम गेहूं बिखेर दोगे, 100 ग्राम होता है 1 एप्पल के बराबर वजन, तो 1 न्यूटन हो जाएगा। तो उतना 100 ग्राम कोई चीज बिखेर दीजिए, उसका जो भी 1 m² एरिया पे ऐसा करिएगा, यानी जिसकी डायमेंशन 1 m/1 m हो, ऐसा बड़ा बोर्ड लीजिएगा, ब्लैक बोर्ड टाइप, और उसमें 100 ग्राम गेहूं बिखेर दें, तो जो प्रेशर लगेगा वो 1 पास्कल होगा। सो इफ 1 न्यूटन थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया या 1 m² एरिया, देन
द प्रेशर एक्टिंग ऑन दैट सरफेस इज 1 पास्कल, उसको 1 पास्कल कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहां पर देखिए, अगर आप उतना ही फोर्स लगाएं, देखिए दोनों वेक्टर बिल्कुल इक्वल हैं, और उतने ही फोर्स से आप सीधा इस पर प्रेशर लगाएं, तो आप देख रहे हैं स्मॉल प्रेशर है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया, F बाई A होता है। अगर एरिया ज़्यादा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट देखो कितना ज़्यादा है, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ देख लो, यहाँ पर आपने एरिया बढ़ा दिया क्योंकि थंब कई ज़्यादा जगह को कॉन्टेक्ट में ले रहा है, तो एरिया के बढ़ने से प्रेशर कम हो गया। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ गया जब थंब पूरे सरफेस को टच करेगा तो प्रेशर कम हो गया। जबकि सेकेंड केस में अगर आपने पिन से किया तो एरिया कितना कम है, जस्ट जहाँ टच कर रहा है वो देखो लिखा है स्मॉल एरिया। तो एरिया अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने छोटा कर दिया, क्योंकि पिन कितनी जगह टच करेगी, बिल्कुल थोड़ी सी जगह टच करेगी, तो mm स्क्वायर जगह पे टच करेगी, उससे भी कम। तो उतने कम एरिया से अगर यही चीज़ छोटी हो जाएगी डिनोमिनेटर, तो काफ़ी बढ़ जाएगा, तो उस पर इतना प्रेशर पड़ेगा कि जो ड्रॉइंग पिन है वो अंदर तक चली जाएगी, इतना प्रेशर लगेगा। और अगर थंब से करोगे तो थंब अंदर थोड़ी चला जाएगा ड्राइंग पिन के, क्योंकि स्मॉल प्रेशर इस वजह से है क्योंकि लार्ज एरिया है। तो अगर उसी फोर्स में आपने लार्ज एरिया रख दिया तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, और थोड़ा एरिया रख दिया तो लार्ज प्रेशर पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी स्कूल का बैग है, योर स्कूल बैग, और आप उसको कोई फोम वाले स्ट्रैप से ना ले जाएं और उसको किसी रस्सी से बांध के ले जाएं कंधे पे, आप अपने शोल्डर्स पे उसको क्या है कि कोई एक रोप से बांध के ले जाएं, तो कितना ज़्यादा प्रेशर आएगा। और अगर मोटा पैडी स्ट्रैप होगा तो आप आसानी से स्कूल बैग को कैरी कर सकते हैं। तो जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, इफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर देन द प्रेशर इज लेस, इफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन द प्रेशर इज मोर। So why it is advised to have a thick paddy strap, ऐसा कहा जा सकता है, for carrying school bag, ऐसा कहा जा सकता है। Why school bags have wide straps, उस पे वाइड स्ट्रैप्स क्यों होते हैं? नाउ सो वाइड स्ट्रैप्स क्या करेंगे, वाइड स्ट्रैप्स हैव वाइडर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वाइडर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सो जो भी वेट ऑफ स्कूल बैग है वो तो डाउनवर्ड है, तो सीधा हमारे कंधों पे आएगा। सो वाइडर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सो प्रेशर विच इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, सो वाइडर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सो प्रेशर ऑन our shoulders is reduced ये कम हो जाएगा। so pressure on our shoulder is reduced as pressure is inversely proportional to area, as pressure is inversely proportional to area, pressure inversely proportional to area, तो area बढ़ गया, area of contact, तो pressure कम हो जाएगा।
तो अगर प्रेशर हमारे शोल्डर्स पे कम लगेगा सो वी कैन कंफर्टेबली कैरी द बैग, सो वी कैन कैरी द बैग। इस तरीके से अगर वाइडर स्ट्रैप हैं स्कूल बैग के तो इट इज़ ईजियर टू कैरी। तो जो भी आप देखते हैं कि ये जो स्कूल बैग्स होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि वाइडर स्ट्रैप्स होते हैं इस तरीके से, सो दे आर हैविंग वाइडर स्ट्रैप्स ऑन स्कूल बैग्स। तो ये वाइडर स्ट्रैप्स क्यों होते हैं? सो दैट वी कैन कैरी इट, ऐसा होता है। तो स्कूल बैग्स में ये चीज़ देखी जाती है, वाइडर स्ट्रैप्स हैं। और अगर इसी स्कूल बैग में, मान लीजिए यही स्कूल बैग है जो हम कैरी कर रहे हैं, एंड इसमें कोई रोप लगा दी जाए सिर्फ एक पतला सा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे शोल्डर्स पे, उसका कितना वजन आ जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट उसमें कम हो जाएगा। सो ए लेस देन प्रेशर इज मोर, ए इज लेसर देन, सो इट इज सजेस्टेड एंड इट इज रिजेक्टेड। तो इसलिए ये चीज कही जाती है कि ये सही, वाइडर स्ट्रैप्स। ठीक है, सो लेस प्रेशर ऑन शोल्डर, ये थिन स्ट्रैप सो मोर प्रेशर ऑन शोल्डर्स, ऐसा। तो उसी तरीके से हमने यहां पर भी देखा कि मान लीजिए कि आप किसी चीज को थंब से प्रेस कर रहे हैं, और थंब से प्रेस करते समय ये नाउ यू आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट। तो थंब से प्रेस करते समय आपने ऐसे किया, और दूसरी चीज क्या है कि उसी चीज पर अगर आप एक पिन लगा लें, ड्राइंग पिन, ड्राइंग बोर्ड होता है जिसमें हम लोग, तो उसमें आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया, और इसको भी थंब से प्रेस करें तो इस केस में आप देखेंगे कि हियर द प्रेशर इज मोर, तो ए लेस पी मोर। तो जब प्रेशर ज्यादा लगेगा ये पिन अंदर चली जाएगी, ए मोर सो पी लेस। ए कितना है? ये सब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहां एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सिर्फ एक पॉइंट है, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट देखो कितना लेस है और यहां एरिया कितना ज्यादा है। तो हमें मालूम है कि पी इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, ए ज्यादा होने से पी कम हो जाएगा, इस पे प्रेशर लगेगा ही नहीं, ये दब ही नहीं पाएगा ड्राइंग बोर्ड, और पी इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, ए के कम होने से प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम किया जाए तो प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये कि ड्राइंग पिन लगाने के लिए सिर्फ एक थंब की जरूरत है और हम उससे उसको प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल 10.6, अ ब्लॉक ऑफ वुडन इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg एंड इट्स डाइमेंशंस आर
5 केजी का एक ब्लॉक है जो टेबल पर रखा हुआ है और इसकी डाइमेंशंस 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द प्रेशर, अब दो केस में प्रेशर आपको पता करना है। फाइंड प्रेशर इन बोथ केस, दो केसेस में प्रेशर आपको पता करना है। वो फिगर में बना देता हूं कि किन किन केसेस में आपको प्रेशर पता करना है। नाउ फर्स्ट केस दैट 20/10 इज द बेस, ऐसा दिया गया है कि जब जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, दैट इज टेबल टॉप के कांटेक्ट में, क्योंकि ये चीज टेबल टॉप पे रखी हुई है तो टेबल टॉप बनाया जा सकता है या जो भी है, तो ऐसे एंड इट इज केप्ट ऑन टेबल टॉप, तो ऐसे दिखाया गया। अब देखिए कि इसका टोटल 5 केजी वेट है, दिस इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। अब 40 है, 40/100 कर दो, 100 से डिवाइड कर दोगे तो कोई चीज मीटर में बदल जाती है, तो 0.4 मीटर। वैसे भी 40 सेंटीमीटर है, आप ऐसा करो सेंटीमीटर कट करना है तो आपको मालूम है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, चीज मीटर बदल जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1010 से कट गया, तो 4/10 और देखो मीटर बच गया, तो दैट इज 0.4 मीटर। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है तो यूनिट फैक्टर मेथड है, आप ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो कि ऊपर नीचे सेम हो और नीचे वो चीज़ हो जो कटती हो, तो आप ऐसे बदल सकते हैं, इसको यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। तो हमने बदल दिया है, बोला गया है कि द सरफेस विच इज इन कॉन्टेक्ट विद टेबल टॉप इज 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, 0.2 मीटर, क्योंकि उसमें भी आप 100 से डिवाइड कर दोगे। अब 10 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, 100 से डिवाइड करो 10/100, तो 0.1 मीटर। सब चीजों को मैंने 100-100 से डिवाइड किया, जैसे ऐसे यहां किया है, तो 20 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए कि कितना एरिया कांटेक्ट में है, इस लेंथ की तो हमें जरूरत भी नहीं है, हमें तो एरिया ऑफ कांटेक्ट देखना है। सो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, और इसका नीचे वेट भी लगेगा क्योंकि अल्टीमेटली इस पे वेट डालेगा 5 केजी का, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, जो इसके साथ में है लेंथ इनटू ब्रेथ, 0.2 × 0.1, सो 2 आ जाएगा लेकिन 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, 0.02 मीटर स्क्वायर। और वेट, वेट ही यहां थ्रस्ट है परपेंडिकुलर सरफेस के, तो वेट इज इक्वल्स टू mg होता है, तो 5 केजी की चीज है और 9.8 इस पर एक्सीलरेशन लग रही, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45, तो 49 हो जाएगा, 49 दिस न्यूटन। तो वेट भी आ गया, वेट ही फोर्स है, तो वेट आ गया और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट यहां वेट ही है, तो वेट अपॉन एरिया, थ्रस्ट हो वेट हो फोर्स हो सब एक ही चीज है। सो इट इज 49, तो वेट हो गया, एरिया हो गया 0.02। अब अगर हम ये डेसिमल हटा दें तो यहां 2 जीरो बढ़ जाएंगे, फिर 2 से आप डिवाइड कर दें, सो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, फिर 10 आएगा, तो 50। अब आप चाहें तो इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, क्योंकि ऊपर न्यूटन नीचे मीटर स्क्वायर,
या आप चाहें तो 2450 पास्कल भी लिख सकते हैं, ब्लेस पास्कल के सम्मान में। सो द प्रेशर इन फर्स्ट केस, जबकि इसका ये सरफेस है तो इतना है। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में कहा गया है कि नाउ द सरफेस विच इज इन कॉन्टेक्ट, अब इसी में दूसरी सरफेस कॉन्टेक्ट में है, ऐसे 40 को नीचे कर दिया गया है, तो 40/20, बाकी ये है टेबल टॉप पर ही रखा हुआ। सो टेबल टॉप पर ही रखा हुआ, अब चेक करें, ये चीज 40 सेंटीमीटर है तो 0.4 मीटर लिख लें, और दूसरी साइड है 20 सेंटीमीटर तो 0.2 मीटर लिख लें, बाकी ये 10 है तो 10 को भी 100 से डिवाइड करो तो 0.1 मीटर। इसका कोई मतलब नहीं है, जो सरफेस कांटेक्ट में है सिर्फ हमें वही लेने हैं, तो इसलिए इसका वजन 5 केजी है, तो इसका इस पर एक नीचे की ओर वेट लगेगा, वेट तो वही रहेगा, वेट इज इक्वल्स टू mg, तो 5 केजी की चीज है और 9.8 इस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है, तो इतने न्यूटन हो गया। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हुआ, इट इज इक्वल्स टू l × b, तो 0.4 × 0.2 ऐसा कर लें, इट इज 4 × 2 = 8, लेकिन 0.08 मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। तो प्रेशर क्या हुआ, इट इज इक्वल्स टू थ्रस्ट इनटू थ्रस्ट अपॉन एरिया या फिर वेट अपॉन एरिया, वेट तो यहां पर 49 न्यूटन का है, जबकि इस पर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, 0.08 मीटर स्क्वायर, यदि डेसिमल हटाया जाए तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे 8। अब हम 8 से इसको डिवाइड कर लें और आंसर पा लें, सो 8 6 = 48, 6 आ गया, 10 बचा, 8 6 = 48, 10 बचा, तो 8 1 = 8, 2 बच गया 20, तो 8 2 = 16, 4 बच गया तो डेसिमल लगा दो और 40 कर दो तो 8 5 = 40। सो दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर दिस मच पास्कल। सो इन फर्स्ट केस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन टेबल इज 2450 पास्कल एंड इन सेकेंड केस 612.5 पास्कल, जब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखें, इन फर्स्ट केस प्रेशर exerted on table is 2450 Pascal, 2450 Pascal, 24, and in second case प्रेशर इज 612.5 पास्कल। तो इस तरीके से हमने दोनों पर प्रेशर निकाल लिया है। नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई द नेल टू बी हैमर्ड ऑन वॉल, अगर उसकी हैमरिंग की जाए ऑन वॉल, हैज शार्प टिप्स, शार्प टिप, तो नेल जिसे हम हैमर करते हैं वो शार्प क्यों होता है उसका टिप, ऐसा पूछा गया है। नाउ वी नो that if
एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस देन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल इंक्रीजेस। सो हम ये बात जानते हैं कि अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाए तो इंक्रीजेस, तो उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वो नेल आसानी से नेल्ड हो जाएगी। एंड सो वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड इज इंक्रीजेस, सो नेल हैज शार्प टिप टू रिड्यूस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंक्रीज प्रेशर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट इट इजली गेट इनसाइड वॉल, सो दैट इट इजली गेट नेल्ड भी कह सकते हो या इनसाइड गेट इनसाइड वॉल, सो दैट इट इजली नेल्ड इन वॉल इफ हैमर्ड। तो अगर उसे हैमर किया जाए तो नेल आसानी से वॉल में चली जाए, इसलिए हम क्या करते हैं वॉल में ये आसानी से चली जाए तो इसके लिए ही हम इसका शार्प टिप रखते हैं। सो इफ इट इज हैमर्ड देन इट इजली गोज इनसाइड वॉल, इसलिए जब हम हैमर करेंगे तो ये आसानी से चली जाएगी। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 141, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप made of thin and strong string, why it is difficult to hold a bag having a school bag having a strap made of a thin and strong string. Now, thin and strong string है, if strap is made, अगर रस्सी लगी हो बैग में पीछे और उसको कंधे पे लगाना पड़ जाए, made of thin and strong string, then it gives lesser area of contact at our shoulders further we know that pressure is inversely proportional to area inversely proportional to area
क्योंकि जो प्रेशर होता है वो एफ बाई ए होता है। सो इफ ए डिक्रीजेस, क्योंकि अब रस्सी होगी तो उससे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत थोड़ा होगा। इफ ए डिक्रीजेस, जितना डिनोमिनेटर छोटा करोगे उतना ये बढ़ता चला जाएगा, डेसिमल में कर दो तो और जीरो बढ़ जाएंगे। इफ ए डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर ऑन शोल्डर्स इंक्रीजेस, सो इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड स्कूल बैग, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू होल्ड स्कूल बैग्स। तो ऐसे केस में स्कूल बैग को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। प्रेशर इन फ्लूइड्स, वी नो दैट सॉलिड्स हैव वेट, सो दे एग्जर्ट प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर रख दिया जाए तो डाउनवर्ड करेंगे, तो हम ये बात जानते हैं दैट सॉलिड्स हैव वेट, सो दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन सम ऑब्जेक्ट हो या ग्राउंड हो, तो किसी भी चीज पर प्रेशर, सो दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन टेबल टॉप पर रख दो तो टेबल टॉप, ग्राउंड पे रख दो तो ग्राउंड पर वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ग्राउंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप रेत पर चल के देखो तो रेत धस जाती है, इसका मतलब प्रेशर लगता है तभी तो रेत धस जाती है। बीच पे चल के देखिए, डाउन वर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली लिक्विड्स एंड गैसेस, उनमें भी वेट होता है, एंड गैसेस हैव वेट्स, इनमें वेट होता है, बट दे फ्रीली मूव विद इन द बाउंड्री। जो लिक्विड है वो तो फ्रीली मूव करता ही है, सो लिक्विड मूव्स फ्रीली विद इन द बाउंड्री। जो उसकी अपर सरफेस है उसके अंदर तो पानी चलता रहता है फ्रीली, अगर आप उसमें एक ड्रॉप इंक डाल दो देखोगे थोड़ी देर में इंक पूरी घुल जाती है। क्यों घुल जाती है? क्योंकि वाटर पार्टिकल मूव्स कर रहे हैं, इसीलिए तो उसमें जो इंक डिजोल्व हो जाती है। तो लिक्विड मूव्स फ्रीली विद इन द बाउंड्री, सो इट एग्जर्ट्स, और साथ ही साथ वो वॉल से भी कोलाइड करता है लिक्विड। तो ये ना सोचिए कि लिक्विड नीचे की तरफ ही प्रेशर डालता है, वो वॉल में चारों तरफ डालता है। अगर आप बैलून में पानी भर लें तो उसके कहीं से भी फूटने की संभावना है, क्योंकि जो लिक्विड होता है इट एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन अनडिमिनिश्ड। यही ब्लेस पास्कल ने बताया था, और उन्हीं के सम्मान में हमने प्रेशर की यूनिट पास्कल रखी है। सो विद इन द बाउंड्री, सो इट एग्जर्ट्स, क्योंकि वो वाल से भी टकराएगा, एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस इवेनली, एक जैसा ही वो प्रेशर लगाएगा, इन ऑल द डायरेक्शंस इवेनली अनडिमिनिश्ड, कम नहीं होगा कहीं भी प्रेशर। यही पास्कल्स लॉ है, पास्कल ने ये नियम दिया है कि मान लीजिए कि अगर किसी भी जगह पर एक, मान लीजिए ये है जिसमें मछलियां रखी जाती हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, और उसमें आपने लिक्विड भर दिया है। सो इसमें अगर आपने लिक्विड भर दिया है तो
वॉट एवर लिक्विड इज देयर इनसाइड इट। सो वो यहाँ पर भी प्रेशर डालेगा, यहाँ पर भी डालेगा, यहाँ पर भी हर तरफ डालेगा और अनडिमिनिश्ड डालेगा। सो ये चीज है एंड इक्वल प्रेशर विल बी देयर ऑल ओवर। इन द सिमिलर मैनर इफ गैस इज कन्फाइंड विद इन द सरफेस, वो तो लिक्विड की बात कर दी, गैस में भी है, गैस के पार्टिकल्स भी कोलाइड करते हैं, तो गैस के केस में चारों तरफ से इस जो भी कन्फाइंड स्पेस है उसके फटने की संभावना है, क्योंकि पार्टिकल सब तरफ यहाँ पर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, नीचे भी, सामने भी और पीछे भी। तो इस तरीके से ये जो इसके अंदर गैस है, सो गैस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। अब लिक्विड ऊपर नहीं डालेगा, लिक्विड सिर्फ कन्फाइंड होगा, वहीं वहीं डालेगा। सो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ओनली विद इन द बाउंड्री, गैस एक्सर्ट प्रेशर सो इन ऑल द डायरेक्शन, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में गैस के पार्टिकल टकराएंगे। सो ऑन अदर हैंड गैसियस पार्टिकल कोलाइड्स कंटिन्यूअसली विद ऑल द वॉल्स विद इन विच दे आर कन्फाइंड। ऑन अदर हैंड गैसियस पार्टिकल, गैस के कण कोलाइड संघट करते हैं, गैसियस पार्टिकल्स कोलाइड विद ऑल द वॉल्स एंड एग्जर्ट इवन प्रेशर ऑन ऑल वॉल्स एंड एग्जर्ट प्रेशर इवनली ऑन देम, उन पर गैस भी प्रेशर डालती है। तो ये बात बताई गई, सॉलिड है तो सॉलिड नीचे करेगा क्योंकि उसका वेट है, लेकिन लिक्विड हर तरफ करता है और गैस तो ऊपर भी करता है। तो ये बात है, जैसे गैस लिखी है इसे आप लिक्विड लिख लें। तो लिक्विड के बारे में जो लॉ दिया गया है वो पास्कल ने दिया, गैस का और किसी ने दिया है, उसको हम आगे देख लेंगे। तो ये चीज है। नाउ देयर आर सम मोर पॉइंट्स नीडेड टू बी टोल्ड अबाउट प्रेशर। लाइक हम सिंगल नेल पर खड़े हो जाएं तो हमारा जितना वेट है वो नेल पर आ जाएगा और नेल हमारे पैर में छुप जाएगी, लेकिन अगर हम नेल के बेड पर ही लेट जाएं तो हम लेट सकते हैं, क्योंकि अब इस केस में सरफेस एरिया ज्यादा है एंड द पर्सन कैन ईजली लाई ऑन द बेड ऑफ नेल। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नेल पर बैठ सकता है। वाई द स्कूल बैग्स हैव द वाइडर स्ट्रैप्स, इट इज टू रिड्यूस द फोर्स ऑन अवर शोल्डर्स सो दैट वी कैन कंफर्टेबली कैरी द बैग। Knife has sharper edges, why it is so? So that increase the pressure. Knife sharp edge है क्योंकि area कम होगा तो pressure बढ़ जाएगा, तो हम किसी चीज को slice कर सकते हैं और कुछ भी cut कर सकते हैं, तो इसलिए knife में sharper edges होती हैं। इसी तरीके से why the tractors have wide tires? Because the load of tractors and trucks is heavy, so so they have wide tires so that the total weight of truck is evenly exerted on all the tires. Otherwise, there will be more pressure on tires and it will burst. तो इसलिए इसमें wide tires होते हैं। इसी तरीके से रेलवे ट्रैक में आप देख रहे हैं कि नीचे सीमेंटेड प्लैंक्स लगे हुए हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक में आयरन के ऊपर जो वेट आएगा उसको इवनली ग्राउंड में स्प्रेड करने के लिए ये सीमेंटेड प्लैंक के बीच बीच में आप देख रहे हैं पैरेलल में लगे हुए हैं बहुत सारे सीमेंट के बने हुए ये जो बीच में लगे हुए हैं, तो इसलिए, नहीं तो वो जो रेल की पटरी है आयरन की वो धंस जाएगी जमीन में, इतना प्रेशर लगेगा। तो इसलिए प्रेशर को अगर हम एरिया बढ़ा दें तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो रेल की पटरी अपनी जगह रहेगी। सो दीज आर द रीजंस व्हाई एट सम प्लेसेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज नीडेड टू बी इंक्रीज, जैसे यहाँ इंक्रीज किया गया यहाँ, और नाइफ के केस में डिक्रीज कर दिया क्योंकि वहां हमें कोई भी चीज पील करनी है, छीलनी है,
या कट करनी है। सो दीज आर द रीजन एट सर्टन प्लेसेस वी नीड टू रिड्यूस, जैसे नेल है तो नेल में रिड्यूस कर दिया है, नाइफ में रिड्यूस कर दिया है, पिन में रिड्यूस कर दिया है, पेपर पिन में, ऐसा हम करते हैं। नाउ एज वी हैव सीन दैट इन केस ऑफ लिक्विड द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल द डायरेक्शन। अगर पानी किसी भी चीज में भरा हुआ है, जैसे मान लें कि एक टैंक में पानी भरा हुआ है एक्वेरियम में, तो इसमें जो भी प्रेशर लगेगा वो अनडिमिनिश्ड इन ऑल द डायरेक्शन लगेगा। इसमें मान लीजिए ये पानी रखा हुआ है, सो ये तो इसमें जो भी पानी रखा हुआ है ऐसे, सो वॉट एवर वाटर इज, तो इधर भी प्रेशर लगेगा, इधर भी प्रेशर लगेगा, सामने भी प्रेशर लगेगा, पीछे भी प्रेशर लगेगा और नीचे भी, हर डायरेक्शन में और इवन प्रेशर लगेगा। सो प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन इवनली इन केस ऑफ लिक्विड। अब जरा देखें कि बायंसी फोर्स क्या होता है। या इसे बायंट फोर्स भी कहते हैं। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड, मान लें कि अगर आपने किसी भी लिक्विड में कॉर्क डाल दी, कॉर्क बहुत हल्की होती है, या बैलून डाल दिया और आप उसे थंब से प्रेस करें, तो कॉर्क हो या बैलून हो तो उसको आप थंब से प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये बैलून है और आप इस पे थंब से प्रेशर लगाएं, देन ऑल्सो इट यू फील दैट देयर इज ए फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, बैलून ऊपर आना चाहेगा। तो इस पर कोई भी चीज अगर हल्की है तो वो ऊपर आना चाहेगी और जैसे ही आप थंब हटाओगे ऊपर चला आएगा। तो इससे क्या पता चलता है, ये लगा दें या एक वुडन पीस हो या एक खाली पानी की बॉटल हो 1 लीटर की, वो पानी में डाल लो तो जैसे ही छोड़ोगे वो तुरंत ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमने फील किया है डे टू डे लाइफ में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड देन लिक्विड एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड देन लिक्विड एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन इट, उस पर एक अपवर्ड फोर्स ही अपवर्ड फोर्स है, इसको अप थ्रस्ट भी कहते हैं, अप थ्रस्ट भी कह सकते हो क्योंकि ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, ऐसा हो जाता है। सो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन ए लिक्विड इज कॉल्ड बायंट फोर्स, दिस इज कॉल्ड बायंट फोर्स। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायंसी एंड दिस is called इसको उत्प्लावन बल कहते हैं, ऊपर की ओर लगने वाला। सो द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, अपथ्रस्ट लग रहा है इज कॉल्ड बायंट फोर्स, इसी को है, इसको एक और लैंग्वेज में भी लग सकते हैं, अपवर्ड फोर्स जहां लिखा है वहीं पर अपथ्रस्ट भी लिख सकते हैं। द अपथ्रस्ट इज अदर टर्म यूज्ड फॉर अपवर्ड फोर्स, जो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है उसकी जगह अपथ्रस्ट भी बोल सकते हो, टर्म यूज्ड फॉर अपवर्ड फोर्स या बायंट फोर्स, तीन नाम है इसके, बायंट फोर्स
फोर्स। देखो कौन कौन सा नाम दिया गया, अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स, बायंड फोर्स। तो कोई भी चीज जब वाटर में इमर्स की जाएगी तो उसके ऊपर ये चीज लगती है। व्हेन यू गो इनसाइड स्विमिंग पूल देन यू फील लाइटर। क्यों फील, आपको हल्का क्यों लगता है? व्हेन वी गो इन स्विमिंग पूल देन वी एन अपवर्ड फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन अस, तो हमारे ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा तो इस वजह से हमें हल्का लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि कई बार क्या होगा कि यहाँ पर कोई चीज़ आपने एक मास है या ब्लॉक है वो पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने पर उसका वेट तो डाउनवर्ड होगा, उसका अपना खुद का वेट है, उसका अपना मास है एम, तो वेट कितना लगेगा, एम जी। लेकिन इसके ऊपर एक बायंट फोर्स लगेगा जिसे एफ बी कहते हैं, वो कितना फोर्स लगेगा, इस मास ने जितना पानी हटाया है उस पानी का जो वेट होगा। मान लीजिए अगर आपने कोई भी मास डाल दिया तो वो पानी हट जाएगा उतना, और फिर उसके हटने से उस पानी को तौल लो, उसका जो भी वेट है उतना अपवर्ड फोर्स लगेगा। सो द बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, दो चीजें लग रही हैं। मान लीजिए किसी पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, अगर वाटर ना होता, हम यहाँ मान ले नीचे की ओर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और उस पर एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है, वो अपवर्ड फोर्स मान लीजिए 4 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ यहाँ पे, नीचे 10 ऊपर 4, तो उस पर 6 न्यूटन का नेट फोर्स हुआ। आप देख लें 10 नीचे और 4 ऊपर, तो वॉट इज द एफ नेट, इट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। इसीलिए हमको पानी में उतरते समय हल्का लगता है। सो वेन वी गो इन स्विमिंग पूल देन वी फील लाइटर बिकॉज वी आर अंडर टू फोर्सेस, वन इज ग्रेविटी एंड अदर इज अपवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स उतना कम हो जाएगा ग्रेविटी में या हमारे वेट में, और हमें नेट नीचे इतना ही फोर्स लगेगा। जहां 10 न्यूटन लग रहा था अब 6 ही न्यूटन लग रहा है, तो लाइटर लगेगा। सो वेन वी गो इन टू स्विमिंग पूल देन वी फील लाइटर, एज देयर इज अ बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन अस। इन अपवर्ड डायरेक्शन अब जरा देखो, मान लीजिए कि किसी भी बीकर में, एक ये बीकर है, सो बीकर में ये पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और इसके बगल में एक और बर्तन रख दें। अब इसमें आप कोई भी चीज डाल दो, एक पेंडुलम डाल दो, तो जब ये पानी से भरा हुआ है तो आप पेंडुलम डालोगे तो पानी इसमें गिर जाएगा, तो ये कुछ पानी डिस्प्लेस कर देगा, ये पेंडुलम ने इतना पानी वाटर डिस्प्लेस कर दिया। सो पेंडुलम हैज डिस्प्लेस दिस मच वाटर। अब इस वाटर का वेट करो, इस पानी को तौल लो, जितना मास होगा मान लीजिए ये 100 ग्राम है या 0.1 ग्राम है, कुछ ना कुछ तो इस पानी का मास होगा, मास ऑफ वाटर, तो उसकी वजह से इस वाटर का वेट होगा कुछ, वो कितना वेट होगा, तो वो वेट ऑफ वाटर कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी। तो जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया है, जितना पानी इस चीज ने गिरा दिया, इसने कुछ पानी गिराया, जितना पानी हटाया है वही इसका बायंट फोर्स है, दैट इज एफ बी। अब कोई कोई चीज बहुत हैवी होगी, तो हैवी चीज होगी या लाइट होगी वो तो इक्वल पानी गिराएगी, क्योंकि कोई भी जो वाटर हटेगा वो तो उसके वॉल्यूम से हटेगा ना, उसके वजन से नहीं हटेगा। आप देखें मरकरी 13 टाइम्स हैवियर है वाटर से, जबकि
आयरन 5 टाइम्स है हैवियर है, 5.6 टाइम्स, तो इसलिए मरकरी 13.6 टाइम्स और वाटर आयरन 5.6 टाइम्स, तो सबका अपना अपना वजन है। यूरेनियम तो 25 टाइम्स हैवियर है, उसको हाथ में उठाओगे तो बहुत भारी लगता है। लेकिन सभी चीज़ें अगर सबका शेप सेम है तो सब पर एक जैसा ही बायन फोर्स लगेगा, क्योंकि जितना वाटर कोई चीज़ हटाएगी, गोल्ड हो सिल्वर हो आयरन हो मरकरी हो, अगर सबका शेप सेम है, कॉपर हो सबका शेप सेम है, तो सब एक जैसा वाटर हटाएंगे। तो बायन फोर्स सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उस चीज का वॉल्यूम क्या है, वजन क्या है, इस पर निर्भर नहीं करता कि इसका मास क्या है। इस बार इट ओनली डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो वॉल्यूम होगा उतना वो पानी हटाएगी। तो एफ बी वैसे इसका खुद का कुछ मास होगा ऑब्जेक्ट का, तो वो वेट होगा, वेट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन टू जी। लेकिन बायंट फोर्स क्या होगा? सो बायंट फोर्स इज मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन टू जी। फर्क समझ लीजिए, जितना पानी नीचे इसने गिरा दिया ना, बस उसी का वेट कर उतना ही फोर्स लगेगा। सो दैट इज बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट। ये बात आर्किमिडीज ने बताई, इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बहुत बड़ी बात है। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, तो किसी भी चीज पर जो बायन फोर्स लगता है वो उतना ही लगता है, जितना वो पानी हटाता है उतना ही उस पर बायन फोर्स लगता है। सो दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी पर लगने वाला बायन फोर्स इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो ये आर्किमिडीज हैं, इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया है कि उसके उसका अपवर्ड थ्रस्ट या अप थ्रस्ट जो भी लगेगा वो उसने जितना पानी हटाया है उसके इक्वल लगेगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हम और जानेंगे और बायन फोर्स के बारे में भी और जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।